गुड इवनिंग। तो सबसे पहले तो जिनको आवाज कम लगती थी मैंने आज ईयरफोन लगा लिए, देखते हैं आज वीडियो में सही आती है तो बता देना, अगर कम रहती है तो कुछ और करेंगे एयरपॉड्स। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के बताने से पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग लाइक करो सब्सक्राइब करो। अभी मेरे पास स्क्रीन शॉट काफी आने लगे हैं, जो मंथली में काम कर रहे हैं उनको सबको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, वो ले लेते हैं, मतलब कोई स्टॉप लॉस भी नहीं लगा रहे और कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लोगों को भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि कल हमने क्या बताया था, कि कल बोला था तीन मंदी दो तेजी, ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज बता चुका हूं, पहले भी बताया और अभी भी फिर बता रहा हूं, ये चीज जो मैं अभी आप लोगों को ज्योतिष के माध्यम से जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो बैंक निफ्टी की तरफ आप लोग रुझान ज्यादा रखना, जो भी तेजी या मंदी बताई जाती है आप लोगों को, ठीक है। पिछले वीक में भी मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग बीच में कई बार बोले कि सर आप बैंक निफ्टी नहीं बताते, ठीक है। तो जो निफ्टी है वो ऑटोमेटिक वही चीज मानता है। तो मार्केट में तेजी थी आज, मंदी नहीं थी, मंदी की तरफ होना था लेकिन मंदी नहीं हुई है। फिर आप लोग बोलते हो कि ये तीन मंदी दो तेजी, ये इसका क्या मतलब है? देखो ये होते हैं योग, तेजी के कितने हैं और मंदी के कितने। मार्केट में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर कहीं भी कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं आती कि जिसके अंदर ऐसा बिल्कुल पता लगे कि हाँ भाई तेज है। जिस दिन तेजी आती है क्लियर, मैं इसके सामने यहाँ पर लिख के तुम्हारे को बताता हूँ, ये तेजी है ये मंदी है। और अगर पिछले वीडियो देखोगे तीन चार महीने के, तो उसके अंदर मैंने क्लियर बताया हुआ है कि यहाँ पे ये तीन दिन तेजी, चार दिन तेजी, पांच दिन। अभी क्या है कि कुछ ग्रह संयोग आगे ऐसा ही बनना है, कल 9 तारीख होगा हो जाएगी, 10 तारीख से ग्रहों का ऐसा ही बनना है, कुछ जमावड़ा एक घर में ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा, इसलिए मैंने तुम्हारे को जोर दे के बोला है। अभी जो आदमी जैसे मान लो तेजी में बैठ गए, मैं भी तेजी तुम्हारे को बोलने लग जाऊं, मार्केट कहीं ना कहीं जो अमेरिका में पैकेज आना है उसकी वजह से बोलो, या मार्केट में एक करेक्शन के मूड में खड़ा हुआ है मार्केट, लेकिन ज्योतिष के अंदर वो चीज दिखाई नहीं दे रही है कि बहुत बड़ी तेजी दिखाई दे डेली जैसे मार्केट खुला है और कोई मंदी का योग एक्टिवेट हो, वो नहीं हो रहा। अब मार्केट को देख के मैं बोल के चला जाऊं कि कल तेजी होगी, तो वो चीज गलत है। जब मार्केट के अंदर तेजी और मंदी हो रही थी वो मैं क्लियर बोला था, इसलिए मैं तुम्हारे को बोला है कि मंथली वाले ऑप्शन में तुम लोग काम कर लोगे या कोई तुम्हारे से छूट भी जाएगी तो उसमें लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। मैंने सुबह ऑडियो डाला था, आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप पे, कि भाई 10 बजे, 10:15 बजे तक मार्केट ऊपर ही रहेगा। मैंने इसलिए डाला जहां मार्केट खुले आप लोग वहीं से शॉर्ट करना शुरू करो, हो सकता है 20-30 पॉइंट ऊपर और जाए, जो भी गया है गया भी है बाद में, तो मैंने इसलिए डाल दिया था वहां पे। और तुम लोगों को कल ये भी बोला था पुट खरीदना, तो कहीं 50-40 पॉइंट नीचे भी आया है निफ्टी जहां तक गया है, जैसे 230 बार बार जा रहा था, 220 जा रहा था बढ़ने में, फिर वहां से लौट के आ रहा था, 30-40 लौट के आता था, फिर 30-40 जा रहा था। और प्रीमियम ग्रुप पे आज हमने बैंक निफ्टी में पुट खरीदवाई थी, जहां टॉप पे था वही मैंने 9:45 दी थी बैंक निफ्टी में पुट, ठीक है। तो ये जो मंदी था बैंक निफ्टी दबाव में ही रहा है पूरे दिन, और लास्ट में भी गिरते गिरते रह ही गया है, वो बेचारा कैसे खड़े होके चल रहा है वो भगवान जाने, या जो भी हो रहा हो, ठीक है। तो कल कहीं मार्केट में तेजी का रुझान थोड़ा ज्यादा रहेगा, है ना। रही बात इसकी टाइमिंग की, एक टाइमिंग आएगा तो वो मैं कल दूंगा, वो टाइमिंग आप लोग तेजी की तरफ लेना, मैं टाइम बता दूंगा इतने टाइम से इतने, पहले मंदी का भी देते थे, अभी मार्केट में
मंदी का नहीं है, वो मैं टाइम दूंगा तेजी का, बस उसको वहां पे ऑब्जर्व करना है। आप लो पोजीशन में रहना है, 30-40 पॉइंट मिल सकते हैं, 40 मिल जाए, 50 मिल जाए, ऐसा है, ठीक है। दूसरा, कल मैंने आप लोगों को जो मंथली में बोला था कि जब मार्केट ऊपर हो, तो मेरा कहने का मतलब है, कुछ आदमी ने मैसेज किया था, आप लोग गलत सोच गए, तो मेरा मतलब सीधा था कि जैसे आज जब 200 ऊपर खुल जाए या 150 ऊपर जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, वहां मंथली में पुट खरीदनी है और ज्यादा दूर की नहीं लेनी है, ठीक है। 500 पॉइंट मान लो अगर पैसा कम होते हैं तो अगर जिसने पुट खरीदी है उसको प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। और जब नीचे आता है, मैं बोला था 200 पॉइंट तो कॉल खरीद लो, चाहे आप बैंक निफ्टी में भी देखो, तो उसमें एक प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की ज्यादा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब इसमें खरीद लेते हैं ना वीकली में, या तो हमारे पास इतना पैसा हो कि हम उसका इतना एवरेज करने के मूड में हो, ठीक है, अगर हमारे से उल्टी खरीद गई और वो हो नहीं पाता है, ठीक है, तो उसमें लॉस के चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो मैंने जैसा कल भी बताया था वही आज भी बता रहा हूं, मार्केट के अंदर अभी बड़ी तेजी और बड़ी गिरावट आगे नहीं दिख रही है, एक दिन थोड़ा सा अप है, एक दिन डाउन है, एक दिन साइडवेज है, मतलब इस टाइप की सिचुएशन ज्यादा बनी हुई है, ठीक है। तो मैं तो कहता हूं जो काम करता है 10-20 हजार रुपया दोनों को खरीदो, और ये चीज मैं तुम्हारे को प्रूफ कर दूंगा। मैं पीछे भी बोला था, हमने अपने ग्रुप में भी दी थी, जो 12,500 की पुट दी थी मंथली फरवरी की, और 12,500 की पुट और 15,000 की कॉल, ठीक। तो ये देख लो आप लोग आज कितनी चल रही है, 200-250 रुपया के करीब है, और ये 10 रुपया की हो गई। तो तुम लोग बाद में जागते हो, और फरवरी की, तो मैं अभी से बोल रहा फरवरी की कोई पुट मत खरीदना, जिसका एक आध दिल हो ना पुट रखने का, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाओ और उसको नहीं खरीदो, जिसको लेनी है मार्च की, ठीक है। सेम मैंने कल भी बताया था। अब इसका एवरेज देखो कितने रुपया लगे तुम्हारे, 80 लगे। अब ये अगर 250 रुपये पे पहुंच गई तो कितना पैसा प्रॉफिट है, और 10 रुपया इसके, क्योंकि 10 की तो अभी ये प्रेजेंट है ना, अगर आज की डेट में भी सेल करते हो तुम 10 माइनस करके तो 70 लगे, 250 मिल गए, 180 प्रॉफिट हो गई, 180 × 75 कर लो कितने होंगे। तो ऐसे पैसा बनेगा, ये जो हम लोग भाग दौड़ करते रहते हैं ना वीकली में, उसमें पैसा नहीं बन पाता है। दूसरा ये है कि आप लोग पूछ रहे थे कि कौन से स्टाइक प्राइस की ले लें फरवरी में या कौन सी, मैंने पहले भी बोला है मैक्सिमम 4,000 रुपये, 1,000 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनता है, बाकी मैं बोलूँ कि भाई ये चीज खरीद लो, ये चीज बेच दो, वो ना हमारा कोई चैनल जैसे रेस्पॉन्सिबल है आपके प्रॉफिट के लिए, अगर किसी को प्रॉफिट होता है वो उसका है, लॉस उसका है, ठीक है। केवल ये जो है एक ज्योतिषी व्यू है कि भाई मार्केट में ऐसा हो सकता है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।